नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली डिपार्टमेंट अथॉरिटी में जो पोजीशन निकली हुई है उन भर्तियों के बारे में आज को मैं जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने कई सारे पोजीशन जो पोस्ट हैं उन पर भर्तियाँ निकाल ली हैं। मैं सभी भर्तियों की डिटेल वाइज आपको जानकारी देने वाला हूँ, कृपया बने रहिए हमारे साथ। शुरू करने से पहले दोस्तों बता जाता हूँ, आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के MS नॉलेज टाइप करके वहाँ से हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद हमारी जो चैनल पर जितनी भी आप वीडियोस हैं उनका आप आनंद ले सकते हैं और घर बैठे ही आप इन वीडियो में अपनी जो जानकारी को बढ़ा सकते हैं। हमने एजिकल नॉलेज के हिसाब से जितनी वीडियो बना रखी हैं आप इनको देखते रहें समय समय पर और आपके ज्ञान में वृद्धि करते रहें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, यानी उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है जिसके जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पोस्ट हैं उन पर जो भर्ती होनी है उनके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन ले जाने की जो तिथि होगी वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, और जो 30 अप्रैल तक इनकी अंतिम तिथि है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलेंगे। अभी इनका आवेदन लिए नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन का जो लिंक है वो 1 अप्रैल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। और इसकी जो फीस सबमिट करने की डेट होगी वो 4 मई होगी, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो विभिन्न विभिन्न की पोस्ट हैं उसमें पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट है और भी बतरी पोस्ट हैं जो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होंगी, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आप इसको फिल कर सकते हैं। जब इसका 1 तारीख में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन करने का, तो मैं इसका एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस किसके तरीके से फॉर्म फिल होना है, क्या क्या इसकी हड़ताएं हैं, वो सब के लिए मैं एक आने वाले समय में एक वीडियो बना लूँ। उससे पहले मैं आपको ये सब शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो हिंदुस्तान टाइम्स में, पंजाब केसरी और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और उसमें ये सब बातें कही गई थी। जो 1 अप्रैल 2020 से पहला इसका एग्जाम फिल हो जाएगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट इसमें है। इसमें जो फीस का वो होगा, एप्लीकेशन फीस जो होगी वो डिटेल अभी 1 तारीख के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि उसमें अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है केवल। तो उसका जो पूरे नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसके भरने का जो भी जितनी क्राइटेरिया होगी, जो इसके एलिजिबिलिटी होगी, सारी जो है वो 1 अप्रैल को पता चल जाएंगी। उससे पहले मैं बता देता हूँ कितने पोस्ट पर ये भर्ती होनी है। तो 629 टोटल पोस्ट हैं जिन पर भर्तियाँ होनी है। उसमें से जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हैं जिनके 292 पोस्ट हैं। इसमें जो है एज 18 से 27 वर्ष चाहिए, और एलिजिबिलिटी भी क्या होगी इसमें 10+2 अर्थात इंटर पास कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से जिसने भी क्या हो वो अपना कर सकता है। उन्होंने इसमें एक कंपलसरी है कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग वो 35 वर्ड पर मिनट है एंड हिंदी की टाइपिंग जो वो 30 वर्ड पर मिनट होगी। उसके बाद पटवारी की भर्ती है इसमें, जो पटवारी की भर्ती जो रहेगी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में तो ये रहेगी 44 और ये 21 से 27 वर्ष की एज रहेगी। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन BA BSc BEd जो भी हो, इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। उसके बाद माली है जो 10th क्लास के लिए है केवल, इसमें 100 पोस्ट हैं ये 18 से 25 वर्ष तक के, जिन्होंने केवल हाई स्कूल किया हुआ है वो उनके लिए एक अच्छा अवसर है, वो अभी माली का फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर Grade D है, इसमें भी 100 पोस्ट हैं और ये 18 से 30 वर्ष के लिए है और ये जो 10+2 के लिए होगा। और इसमें जो स्टेनोग्राफर की जो डिक्टेशन स्पीड होगी वो 80 वर्ड पर मिनट होगी और जो ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश की जो होगी वो 50 मिनट में और हिंदी की 65 मिनट दी जाएंगे इतने वर्ड के लिए। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, इसकी 11 पोस्ट है। इसमें CA चार्टर्ड अकाउंटेंट या CS होना अनिवार्य, डिग्री होनी अनिवार्य है। इसमें मैक्सिमम एज जो हो 30 ईयर्स है। और SO है हॉर्टिकल्चर है, इसमें 48 पोस्टें दी गई हैं और इसमें जो है बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर के साथ होना चाहिए। कुछ जो जो एग्रीकल्चर से BSc करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसी तरह की पोस्टें निकलें, तो उनके लिए भी अच्छा अवसर है कि हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर से जो किया हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं यहाँ से। और इस प्रकार से इसमें और कुछ चुनिंदा पोस्टें हैं जो दी गई हैं और इसका जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको उसकी पूरा वो दे दूंगा। और इसका जो ब्यौरा ही मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जो BTech वाले हैं उनके लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर की 2-2 पोस्ट हैं, वह जो BTech कर रखा है जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो भी इसको भर सकते हैं। इसमें और भी जो भी इसका अधिक जानकारी होगी मैं जल्दी ही आपको शेयर कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर इसी साथ बने रहिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप समय समय पर जितनी भी जो सरकारी जॉब निकलती हैं या जितनी भी हमारी जो स्टडी रिलेटेड जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप YouTube के सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहाँ MS नॉलेज हब टाइप करेंगे
और MS नॉलेज टाइप करने के बाद आपको ये आइकन मिलेगा MS वाला, इस पर आप जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद जो समय समय पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, और भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छे लगते हो वो डाल सकते हैं। हम ट्रिपल सी की भी ऑनलाइन तैयारी यहाँ करा रहे हैं, ट्रिपल सी से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, और भी जो GK की हो चाहे जो टॉपिक्स इस समय चल रहे हैं उन पर भी, और जितनी भी गवर्नमेंट जो जॉब आती है उनका पूरी डिटेल जानकारी मैं अपनी वीडियो में देता रहता हूँ। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।